हेलो, ये है किया सेल्टोस। तो आज मैं बता रहा हूँ कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको कैसे इनेबल करना है। इसके अंदर कोई भी मॉडल हो, 2019, 20, 21, 22 जो भी हो, आप हर एक में अपडेट कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर ही। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको इंजीनियर मोड कैसे खोलना है। आपको वापस आज मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको इनेबल करना है वायरलेस। ठीक है, पहले आपको ऑल मेनू में जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको जाना है सिस्टम इन्फो में। सिस्टम इन्फो में आपको वर्ज़न अपडेट आएगा। वर्ज़न अपडेट में ये लास्ट वाली आपकी तारीख है कि कब का आपका अपडेटेड है, भी आपका सिस्टम कौन सा है, 20, 21 और 22 में। ये ऐसे ही हो जाएगा। 19 में आपको थोड़ा सा एक अडाप्टर लगवाना पड़ेगा, तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो आप यहाँ पे आप इंजीनियर मोड खोलना है। वो कैसे खोलेंगे, यहाँ पे 5 बार टैप करना है कोने में, 1, 2, 3, 4, 5 और एक बार इधर 6। अब दोबारा ट्राई कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, ऐसे खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है 2400। ठीक है, और उसके बाद ओके कर देना है। आपको ये ऐसा मिल जाएगा, हर एक के अंदर ये सेम ही है। इवन कि आप क्रेटा के अंदर भी, जो इनके अंदर 8 इंच का है, इवन आपको सोनेट है या फिर वेन्यू है, सेम मिलेगा आपको सब में। ठीक है, और सेम ही अगर बाहर वाले इंडिया से बाहर है, स्पोर्टेज में भी सेम ही है। ओके, तो आपको यहाँ पे जाना है मॉड्यूल इन्फो में। ठीक है, मॉड्यूल इन्फो में यहाँ पे देखोगे आप, वाईफाई डोंगल होगा। ठीक है, पहले आपको ये चेक कर लेना है। वाईफाई डोंगल में आप जाके स्टार्ट करोगे तो ऐसे वेटिंग आ जाएगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ये 2019 मॉडल है तो NA आ जाएगा, लेकिन आपका 2020 होगा तो ओके आ जाएगा। तो ये चेक करने के बाद आपको वापस जाना है, इधर जाना है आपको वापस। फिर आपको वेरियंट कोडिंग में जाना है, या फिर एक पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड डालना है 1200। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर पिछली बार मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया था। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको CPU वेरिएंट आपको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अब जो भी मॉडल है, कोई भी मॉडल है, तो आपको CPU 2 ओके करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपका सिस्टम बूट कर जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसे सिस्टम बूट होगा। जैसे ही आपका बूट होके हटेगा, तो उसके बाद आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको वायरलेस ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। अगर आपका 2000 फिर भी नहीं होता, कईयों का इसके बाद वाला है, तो अगर फिर भी नहीं होता है तो एक अपडेट है, वो आप अपडेट डाल सकते हो। ठीक है, उस अपडेट का लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आप जैसे भी है, वो अपने सिस्टम में पेन ड्राइव से अपडेट डाल लेना, तो उससे आपको अनेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वायरलेस मिलना शुरू हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो बस यही सेटिंग है, आपको यही करनी है। ओके, थैंक यू। अगर आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, ओके, बाय।